तो दोस्तों देखा जाए तो सैमसंग की मेन रेंज सीरीज में A53 सीरीज सबसे पॉपुलर सीरीज है, जिसमें हमें काफी कमाल के स्मार्टफोन जो है देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि A52 और A52 5G जो कि हमें मार्च में देखने को मिला था, जो कि काफी पॉपुलर रहा। और अभी हाल ही में आपको A52 का 5G वेरिएंट भी जो है देखने को मिला, जो कि आपको पता ही होगा। और अब सैमसंग इसके सक्सेसर यानी कि A53 5G को जो है बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है इंडिया में। तो आज हम इसी स्मार्टफोन के बारे में जो है बात करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन जो है देखने को मिल सकते हैं, और इसमें आपको इस बार क्या क्या इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिलेंगे सैमसंग की तरफ से, और इसका प्राइस और ये कब लॉन्च होगा इंडिया में, सभी के बारे में जो है बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए गाइस इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है देखने को मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जो कि एक HD प्लस डिस्प्ले होगा, जिसके सेंटर में आपको पंच होल कटआउट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले आपको सेम देखने को मिलती है A52S 5G की तरह। तो सैमसंग की डिस्प्ले आपको पता ही होगा कि सबसे बेस्ट डिस्प्ले जो है मानी जाती है सभी स्मार्टफोन के मुकाबले। वहीं बात करते हैं दोस्तों इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको पीछे क्वार्टर कैमरा जो है देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का बोके कैमरा भी जो है देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको सेम कैमरा जो है देखने को मिलता है, जो कि हमें गैलेक्सी A52S 5G में जो है देखने को मिला था, लेकिन इसमें आपको काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है कैमरे में, क्योंकि यहाँ पे आपको बोके कैमरा जो है देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड काफी इजीली जो है ब्लर कर पाएंगे। फ्रंट में आपको सेम 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। डिस्प्ले कैमरा और डिजाइन के बाद बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4500 mAh का इस फोन में बैटरी मिलने वाला है, जिसमें आपको 25W की फास्ट चार्जिंग जो है देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जिंग के साथ। तो ये स्मार्टफोन काफी लाइट वेट और स्लिम डिजाइन के साथ जो है आने वाला है, जिसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक भी जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है अभी सैमसंग की तरफ से, लेकिन इतना कंफर्म है इसमें आपको काफी पावरफुल प्रोसेसर मिलने वाला है, जैसे कि इस फोन में आपको 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर जो है देखने को मिलेगा। तो आप इस वास्ते खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फोन में आपको काफी पावरफुल प्रोसेसर जो है मिलने वाला है। जहां तक उम्मीद है इस फोन में आपको एक्सिनोस का जो है प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर जो है होगा। वहीं इस फोन में आपको 6GB रैम और 8GB रैम मिलने वाली है 128GB स्टोरेज के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फोन आपको सन 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में जो है देखने को मिल जाएगा। और इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो इस फोन की प्राइसिंग आपको 27 से 30 हज़ार के बजट में जो है देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों ये फोन आपको कैसे लगता है इस प्राइस पॉइंट के साथ, आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन पसंद आई या नहीं आई, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।